तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ फूले हुए चने से एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता बनाने की सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फूले हुए चने लिए हैं। इस चने को मैंने रात में ही भिगोने के लिए रख दिया था। चने को भीगने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीबन चने को भिगो दिया था रात में। सुबह इसका सारा पानी हमने छान दिया है। चने हमारे फूल के तैयार हैं, चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पहले से कढ़ाई चढ़ा दी थी। 1 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीबन जीरा ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड कर देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीकी से काट लिया था। इसी के साथ हमने एक छोटी सी प्याज ली थी जिसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिया था, ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक की जो प्याज है हल्का गुलाबी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट ही हमने इसे भुना है, प्याज का कलर एकदम से चेंज हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टमाटर। तो मैंने 1 टमाटर लिया था जिसे फाइनली चॉप कर लिया है, ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर रहे हैं 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया था, आप चाहे तो फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर को पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देते हैं जिससे टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही 1/2 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। आप जो सब्जी मसाला यूज करते हैं सब्जी वगैरह में वो भी ऐड कर सकते हैं। सभी मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड इसे चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे कवर करके नहीं पकाया है, हमें इसे चलाते हुए ही पका लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, टमाटर हमारे काफी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर को भूनते हुए देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर जो चना हमने फुला के रखा हुआ था उसे ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बनाने में जितनी ही आसान है, ये खाने में उतनी ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। साथ ही ये हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो इस तरीके से आप भी चने की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। देख सकते हैं इसमें हमने सिर्फ 2 चम्मच तेल ही ऐड किया है। ये लेस ऑयल हेल्दी नाश्ता है, तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1/2 कप के करीबन पानी ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसे पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं चने का सारा पानी सूख गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चने की ये रेसिपी हमारी बनके एकदम से तैयार है। एक बार आप इसमें से चने को एक निकाल के चेक कर लें, आप इसे अगर हाथों से मैश करते हैं, चना अगर इजिली मैश हो जाता है यानी कि चने हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, तभी आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, अदरवाइज इसे 1 से 2 मिनट और पकने दें। तो चने हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, तो हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ एंड उसके बाद हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ऊपर से प्याज वगैरह भी गार्निश कर सकते हैं, या फिर इसमें आप ऊपर से नींबू वगैरह, धनिया पत्ती, जो आपकी मर्जी हो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। सुबह की भागदौड़ में ये बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम तेल मसालों के साथ बनाई ये हेल्दी नाश्ता रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप इस तरह से चना चाट बनाते हैं तो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी काफी पसंद आएगा। चना हमारे लिए कितना हेल्दी है ये सभी को पता है। सो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।